विधानसभा चुनाव से पहले जिस गठबंधन को अखिलेश यादव ने रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते का नाम दिया था, आज वो गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। दरअसल विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ में थे, जहां उनके साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो मौजूद थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नदारद थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव की हालत जस की तस बनी हुई है। सीढ़ियों से गिरने पर उनके पैर की दो उंगलियों में फ्रैक्चर हुआ है, कमर में भी चोट है और डॉक्टर का कहना है कि उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है। अरुण यादव को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पोस्ट को विरोधियों द्वारा व्यापक रूप से साझा किया गया है। चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने बृहस्पतिवार को बाली में एक मुलाकात के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से कहा कि चीन एवं भारत के संबंधों में सुधार की दिशा में प्रगति दिख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में 38 मंत्रियों के होने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश सहयोगी भाजपा से हैं। सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 25, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13 मंत्री होंगे। MPMLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 वर्ष की सजा सुनाई है। मतदान अधिकारी श्री कृष्ण सिंह राणा ने 2 मई 1996 को थाना वाजिरगंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर और अरविंद यादव समेत कई लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आनंद शर्मा ने गुरुवार को जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने लगाए जा रहे सारे कयासों पर विराम लगाया और कहा कि वे कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और उनका कहीं जाने का इरादा नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान ने दुनिया की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए फैक्ट चेकर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फैक्ट चेकर के वकील की ओर से गुरुवार को अर्जेंट बेल के लिए याचिका दिखाई गई थी। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहले T20 मैच में 50 रनों से रौंद दिया। भारतीय टीम की जीत में हार्दिक पांड्या की अहम भूमिका निभाते हुए बैट और बॉल से शानदार प्रदर्शन किया।